भी फाइनल ईयर, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ज़रा ध्यान दें आप। तो हम यहाँ पर जो इनमें डिफरेंस करते हैं वो एक तो सीमों के आधार पर करते हैं और इनकी फैमिली के आधार पर करते हैं। बाकी सब इनका जो कद काठी होती है वो थोड़ी सी एक जैसी होती है, लेकिन इनका रहन सहन अलग होता है। जैसे ये डियर होते हैं ये, ठीक है, जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, मृग, है ना, मृग बोलते हैं ना। तो ये जो डियर होते हैं क्लास, ये जनरली रहते हैं आपके पहाड़ों पर, ठीक है। और जबकि एंटीलोप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किनको, मनुष्यों को, ये इतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा नील गाय, है ना, नील गाय सुना है ना नाम, नील गाय, उससे हम जनरली गाय के उसमें सोचते हैं शायद नीले कलर की गाय होगी, बट ये गलत होता है, वो एक प्रकार का एंटीलोप ही होता है। उसमें सींग होते हैं ना छोटे छोटे से, थोड़ी सी सफ़ेद जैसे घोड़े जैसी दिखती है, थोड़ी सी बड़ी सी, वो एक्चुअली एंटीलोप होती है नीलगाय, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हमारा समाज स्टार्ट हुआ है, दैट इज अ हिरन, ठीक है। हिरन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डियर एंटीलोप, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो बेसिक डिफरेंस है, अगर कभी कोई भविष्य में मतलब आपसे एग्जामिनर पूछता है क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो आप लोग बताइएगा इनके सींगों के आधार पर, क्योंकि जाहिर सी बात है हो सकता है आप लोग फैमिली भूल जाए, लेकिन सींग तो याद रख सकते हो ना, कि बारह सिंगा जो है वो डियर में आता है, नील गाय आपकी एंटीलोप में आती है। क्लियर है, अब क्लियर है, चले अब हम बात कर लेते हैं आगे इसके बारे में। अब हम चाहे हिरन के बारे में बताएं, चाहे एंटीलोप के बारे में बताएं, जनरली एक जैसा ही रहता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जनरली होता क्या है, ये जो हिरन होते हैं क्लास, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा शर्मीला होता है। आपने जनरली देखा होगा, अगर आपको इसके पास जाना चाहता है ना, फटाफट से उसे भाग जाते हैं। ये जनरली ग्रुप में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आपके ग्रुप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं, मतलब 200 से 300 तक झुंड बना कर रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन इनके जो मैंने अभी बोला, ये शर्मीले होते हैं शर्मीले, लेकिन जब इनका प्रजनन काल आता है, ठीक है, जब इनका प्रजनन काल आता है ना क्लास, तो उस दौरान ये थोड़े से कैसे हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। इसमें नर जो है, मैं बात कर रही हूँ स्पेशली नर की, इसमें नर जो होते हैं थोड़े से उग्र हो जाते हैं। उग्र होने के बाद ये जो उनका झुंड होता है, ठीक है, मैंने बताया ना समाज में रहते हैं, 200 से 300 भी इनमें रह सकते हैं, तो ये झुंड में जाकर जोर से दहाड़ लगाते हैं कि भाई मतलब ललकारते हैं, आप किसके लिए, लड़ाई के लिए, किसी भाई किसी को आना हो तो आ जाए, लड़ाई कर ले मुझसे, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या करते हैं, नर हमेशा उग्र होकर थोड़ा सा इस तरीके से और नरों को उत्तेजित करते हैं। हो गया था होने, ठीक है, जैसे ही उग्र हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, ये एक दूसरे को इस तरह आमंत्रित करते हैं लड़ने के लिए। जो जीत जाता है वो किसको ले जाते हैं, जो मादा होती है उसको ले जाते हैं, और लेके जाने के बाद ये दोबारा से वहां पर एक बार फिर चिंघाड़ते हैं। जो इनके इस कॉम्पिटिशन को एक्सेप्ट करता है वो भी एक्सेप्ट करने के लिए चिंघाड़ कर ही बताता है, जोर से आवाज करके बताता है कि वो तैयार है लड़ने के लिए, ठीक है। जब ये लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, फिर ये अपनी एक सीमा निश्चित कर लेते हैं कि मुझे यहाँ रहना है, कि यहाँ, यहाँ से यहाँ तक मैं रहूंगा, कोई नहीं आएगा। तो उस दौरान एक नर जो होता है वो कम से कम 4 से 5 मादाओं के साथ अपना एक अलग परिवार बनाता है, और उनसे फिर क्या होता है, बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों को वयस्कावस्था तक उनकी देखभाल करते हैं ये, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी हम कल बताएंगे कि वयस्कावस्था के बाद क्या होता है, ठीक है क्लास। तो चलें आज क्लास में बस इतना ही, बाकी कल।